नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आपको पता ही है कि हमारा देश हमारे शहीदों का कितना सम्मान करता है और शहीद होने पे उसके परिवार का भी उतना ही सम्मान होता है। उसी सम्मान स्वरूप शहीद के परिवार को कुछ रकम फिक्स की हुई है जो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सरकार भी देती है, यानी कि सेना भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। और वैसे जो लोग सीमा पे हैं, यानी कि जो लोग जम्मू कश्मीर या उस तरफ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उन लोगों को सरकार कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती है। अगर उनकी शहादत AK-47 से होती है तो उनका एक सेट पैटर्न है, उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा, इतना स्टेट गवर्नमेंट देगी। मैंने बहुत सारी कहानियाँ इस मुआवजे को लेकर के सुनी है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। अक्सर एक संस्था होती है आर्मी में, आवा, उसमें जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी पत्नियां उसमें उस प्रोफाइल में रहती हैं अलग अलग, और वो लोग जो वीर नारियां होती हैं, वीर नारियां उन्हें कहते हैं जो शहीद की पत्नी होती है, उन वीर नारियों के पास टाइम टू टाइम जाती रहती हैं और ये देखती हैं कि जो पैसा उनको सरकार की तरफ से दिया गया है उसका सही से उनके बच्चों की ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर वो खर्च किया जा रहा है या नहीं, उनका परिवार खुशहाल है या नहीं। और मैंने कुछ ऐसी भी कहानियां देखी जहां पर दो भाई हैं, एक सीमा पे शहीद हो गया, अब उसकी बीवी को कभी उसने हजार से ज्यादा नोट नहीं गिने होंगे, लेकिन जब पति शहीद हुआ तो लाखों रुपया उसको मिल गया। अब शहीद के माता पिता ये सोचते हैं कि ये वीर नारी जो है अपने मायके ना चली जाए और ये पैसा सारा उसके साथ ना चला जाए। कारगिल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हुई थी, तो वो जो छोटा भाई होता था उसके साथ उसकी शादी कर देते थे ताकि सरकार की तरफ से जो पैसा आया है वो परिवार में ही रहे। और तमाम तरह की कहानियां उस समय रहती थी। एक बार ऐसी भी कहानी मेरे सामने आई कि बहुत सारा पैसा मिल गया और अब उस महिला के रिलेशन अपने देवर से हो जाते हैं, लेकिन देवर सोचता है कि अब मैं कहीं और शादी करूंगा और वो उस भाभी को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तमाम सारी कहानियां मैंने आपको कहा ना, और आज एक और कहानी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये कहानी है मुहिना बेगम की, जो असल जीवन में हीरोइन की बजाय खलनायिका बनके आपके और हमारे सामने आती है। कहानी की शुरुआत होती है वहीं सीमा से, कश्मीर के सोपोर इलाके से, जहाँ मुहिना का परिवार रहा करता था। अच्छा खासा खाता पीता परिवार, और भोली भाली मुहिना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी। स्कूल के बाद कॉलेज में भी उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को बड़े ही मुकम्मल ढंग से किया, पूरा किया। और 1999 में जब वो सियानी हो जाती है तो घर वाले शादी के लिए लड़का देखते हैं, उसकी एक फौजी से शादी हो जाती है। उसका नाम था तारिक अहमद शेख। तारिक जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की लाइट इन्फेंट्री यूनिट में तैनात था। मई 1999 में मुहिना की शादी तारिक अहमद शेख के साथ हो जाती है, और शादी के अगले 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इस दौरान तारिक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा होता है, मोहिना भी परिवार की बड़े प्यार से देखभाल कर रही होती है, पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं और गाड़ी आराम से चल रही होती है। अचानक 18 दिसंबर 2002 की रात को सोपोर में कुछ आतंकवादियों के हमले में तारिक अहमद की मौत हो जाती है। तारिक अहमद शेख पर AK-47 से गोलियाँ चलाई गई थी। तारिक की मौत के बाद उसकी यूनिट के साथ साथ घर परिवार पूरा शहर सदमे में डूब जाता है।
वक्त बीतता है और जम्मू कश्मीर की सरकार के कायदे के मुताबिक शहीद हुए तारिक अहमद शेख की विधवा को सरकारी मुआवजा दिया जाता है। उस समय ये मुआवजा 13 लाख रुपए का था जो सरकार की तरफ से मोहिना के नाम पर चेक जारी हुआ, क्योंकि वही तारिक अहमद शेख की मौत के बाद उस पूरे मुआवजे की हकदार थी। सरकार में मुआवजे के तौर पे 13 लाख रुपए मिलने के बाद मोहिमा एक बार फिर से अपनी जिंदगी में खो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पति के सदमे से उभर आती है। और जब वो सदमे से उभरी तो घर वालों ने उसकी दूसरी शादी का इरादा किया। अपनी पूरी जिंदगी इरादों के सहारे काटने के बजाय मोहिना ने सच का सामना किया और दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। एक बार मोहिना बेगम की शादी तस्वीर अहमद मलिक से तय होती है। इत्तेफाक से तस्वीर अहमद मलिक भी भारतीय सेना में था और 22वीं राष्ट्रीय राइफल में तैनात था। तस्वीर राइफल राष्ट्रीय राइफल की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। शादी के बाद दोनों तस्वीर मलिक और मोहिना दोनों ही अपनी नई जिंदगी में रम जाते हैं। जिंदगी फिर से ढर्रे पे आ जाती है, खुशियां चल रही होती हैं परिवार में। शादी को थोड़ा सा वक्त बीतता है। करीब 3 साल के बाद अचानक एक रोज आतंकवादी हमले में तस्वीर मलिक शहीद हो जाते हैं। इत्तेफाक ये कि इस बार भी गोली AK-47 से ही चलाई गई थी और निशाना बने थे तस्वीर मलिक। ये अजीब इत्तेफाक था कि मोहिना की शादी के 3 साल बाद दूसरे शौहर को भी आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। जाहिर है जमाने भर की हमदर्दी मोहिना बेगम के साथ होती है। मोहिना दोबारा विधवा हुई और मोहिना की तस्वीर के साथ शादी को 3 साल पूरे हो चुके थे। इसी बीच सरकार ने शहीद की विधवा को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम भी बढ़ा दी थी। जो मुआवजा होता है वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। पहले जो रकम 13 लाख की थी वो अब 15 लाख रुपए हो गए थे। कायदे और कानून के मुताबिक मोहिना इस बार भी मुआवजे की हकदार बनी। मोहिना को सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए का चेक दे दिया गया और जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन यह कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि तस्वीर मलिक के पिता अब्दुल अजीज मलिक अपने बेटे की आतंकवादी हमले में मारे जाने की बात पर शक जाहिर करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ कुछ धोखा हुआ है, किसी और तरीके से उसकी मौत हुई है। इस मामले की जांच कराने की मांग की गई, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर को मौत के घाट उतारा था, तस्वीर के पिता अब्दुल अजीज को शक होता है कि हो ना हो उसका बेटा किसी साजिश का शिकार हो गया है। एक फौजी के पिता होने के नाते वो अपने शक के साथ मानवाधिकार आयोग और जम्मू कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। जाहिर सी बात है, शहीद के पिता थे, हर संस्था ने उनको ध्यान से सुना। जब उन्होंने अपना शक, यानी कि फौजी के पिता ने अपना शक जाहिर किया, तो एक्चुअली अब्दुल अजीज का ये कहना था कि जो दिख रहा है असल में वो सच्चाई नहीं है, लिहाजा तस्वीर मलिक की मौत का पूरा सच का पता लगाया जाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सिफारिश के बाद हंदवाड़ा पुलिस के पुलिस कप्तान इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट जाते हैं। मामला सेना के एक अफसर की मौत का था, लिहाजा सेना की मदद से पुलिस ने तफ्तीश का सिलसिला तेज कर दिया। करीब 1 साल तक जांच चलती रही, लेकिन तफ्तीश किसी मुकाम तक पहुंचते दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि पुलिस को ना तो कोई सुराग मिल रहा था, ना ही कोई ऐसा सबूत जो ये बता सके कि असल में तस्वीर मलिक की हत्या किसी साजिश का हिस्सा है। उधर पुलिस की जांच चल रही थी और मोहिना अब कश्मीर घाटी को छोड़ करके जम्मू में शिफ्ट होने का इरादा कर रही थी। इसी बीच हंदवाड़ा की पुलिस को अपनी रूटीन तफ्तीश के दौरान 2 लोग हाथ में लगे। पकड़े जाने पे दोनों लोगों में एक का नाम चरणजीत सिंह जबकि दूसरे का नाम मुश्ताक था। असल में मुश्ताक आतंकवादी रह चुका था और उसने कुछ साल पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन किसी मामले की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने इन दोनों को दोबारा से पकड़ा। इसके बाद दोनों ने अपने जुर्मों की कहानी सुनाई और उन कहानियों में 2 जुर्म ऐसे भी थे जिसे सुन के हंदवाड़ा पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। उन दोनों लोगों ने जो
कहानी सुनाई, उसमें मोहिना का नाम भी सामने आता है। अपने किस्सों में दोनों आरोपियों ने बताया कि असल में मोहिना को शादियों का शौक है, लेकिन ये शादी किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि वो सेना के जवान और अफसर से शादी करती है। उसको यही शौक था। अब पुलिस की तफ्तीश की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। पुलिस समझ जाती है कि मोहिना पढ़ी लिखी है, लिहाजा उसे ये अच्छी तरह पता था कि अगर सेना या पुलिस का कोई सिपाही फर्ज के रास्ते में कुर्बान होता है तो सरकार उसके लिए मुआवजा देती है। मोहिना ये भी जानती थी कि अगर किसी आतंकवादी हमले में कोई सेना का सिपाही या पुलिस का सिपाही मारा जाता है तो, और अगर वो गोली AK-47 से है, तो उसकी जांच में कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि उसे आतंकी हमले में मारा गया शहीद मान लिया जाता है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश को और पैना करती है और टाइट करती है और इसी लीड पे काम करना शुरू करती है, जो लीड उसे उन दो लोगों से मिलती है। तब पुलिस को पता चलता है कि मुहिना के शौक और साजिश में उसके पिता भी शामिल थे। इस साजिश के तहत सबसे पहला शिकार बना था तारिक अहमद शेख, यानी कि उसके पहला पति, और उसके बाद तस्वीर अहमद मलिक। और तफ्तीश में ये पता चला कि मोहिना और मुश्ताक में गहरी दोस्ती है, यानी कि वो जो आतंकवादी था उसके साथ मोहिना की बहुत दोस्ती थी, बल्कि दोनों में एक रिश्ता भी कायम हो गया था। लिहाजा शादी के बाद मोहिना ने मुश्ताक को दोस्ती का हवाला दिया और तारिक अहमद के बारे में उल्टी सीधी कहानी सुना करके उसको रास्ते से हटाने के लिए कहा, क्योंकि खुद वो कत्ल कर नहीं सकती थी, लिहाजा उसने इस काम में मुश्ताक की मदद ली। तब मुश्ताक ने मोहिना को चरणजीत से मिलवाया और दोनों के बीच रिश्ते कायम हो गए, यानी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा करके मोहिना ने चरणजीत और मुश्ताक को अपने शौहर का कत्ल करने के लिए राजी कर लिया। साथ में ये शर्त भी रखी कि ये काम AK-47 से होना चाहिए, और इस काम के लिए उसने दोनों को कुछ पैसे भी दिए। तब तय हो जाने के बाद 18 दिसंबर को चरणजीत और मुश्ताक ने तारिक अहमद को उस समय गोलियों से भून दिया जब वो घर लौट रहा था। उसके बाद मोहिना ने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई और दर्ज करवाया कि उसके पति को आतंकवादियों ने मारा है। वो पुलिस को ये भी बताती है कि आतंकवादियों की तरफ से उसके पति को जान से मारने की धमकियां पहले से ही मिल रही हैं, यानी कि पूरी कहानी जो है वो ओरिजिनल सी लगे, उसमें कुछ भी फेक ना दिखाई दे। चूंकि कश्मीर के हालात भी इस बात की गवाही देते रहते हैं कि यदा कदा सेना से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अक्सर ऐसी धमकियां आतंकवादियों से मिलती रहती है, लिहाजा पुलिस के लिए शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ऐसे में पुलिस ये मान लेती है कि वाकई आतंकवादियों ने सेना के जवान को मारा होगा। इसलिए FIR दर्ज करने के बाद पुलिस भी बिना तफ्तीश के अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है और महीना मुआवजे की हकदार बन जाती है। पहली बार विधवा बनने के बाद, मतलब कुछ ही वक्त के बीतने के बाद, मोहिना दूसरे शिकार की तलाश करती है और अब तस्वीर मलिक का नाम सामने आता है। तस्वीर मलिक के साथ मोहिना ने खुद ही दोस्ती की, फिर एक रोज शादी की बात कह दी। तस्वीर मलिक किससे शादी के वक्त बीतने के इंतजार करने के बाद अब मोहिना एक बार फिर से उसी तरह का प्लान कर रही थी। और जून 2006 को मुश्ताक और चरणजीत को एक तरह से तस्वीर मलिक की सुपारी देती है। मोहिना के इश्क में गिरफ्तार चरणजीत और मुश्ताक दोनों ही 2006 को तस्वीर मलिका भी AK-47 से काम तमाम कर देते हैं। फिर उसी तरह मोहिना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, पहले की तरह जैसे पहले में विधवा हुई थी। फिर पुलिस की वैसी ही क्लोजर रिपोर्ट तैयार होती है और तस्वीर मलिक की मौत के कुछ वक्त बाद ही मोहिना अब तीसरे शिकार की तलाश करने लगती है। इस बार उसने जम्मू कश्मीर के किसी पुलिस वाले से शादी करने की तैयारी की थी, उसको रजामंद भी कर लिया था ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। दो फौजियों को निपटा चुकी थी वो, अब उसने पुलिस वाले को अपना शिकार बनाया था ताकि किसी को ज्यादा शक ना हो। जिस वक्त मोहिना बेगम अपने तीसरे शिकार की तलाश कर रही थी, तभी तस्वीर मलिक के पिता ने अपने बेटे की मौत पर शक जाहिर करते हुए तफ्तीश शुरू करवा दी। अपनी शिकायत में अब्दुल अजीज ने अपनी बहू यानी मोहिना पर शक भी जाहिर किया था, क्योंकि अब्दुल अजीज के साथ मोहिना की पटती नहीं थी, दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। उसी जांच के दौरान इत्तेफाक से पुलिस के हत्थे चरणजीत और मुश्ताक लग जाते हैं और फिर सारे
जो राज थे खुलते चले गए, उनकी परतें खुलती चले गई। और उसके बाद पुलिस ने मोहिना और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। मोहिना और उसके पिता से पुलिस ने सरकारी मुआवजे के पैसे भी रिकवर कर लिए और दोनों को जेल भेज दिया। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ये जो पैसा होता है ना, एक डायलॉग नहीं है, ये वाकई में ही इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेना में मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी जिसमें कहीं शहीद की वीर नारी का शोषण हुआ, तो कहीं वीर नारी भी वीर नारी ना रही और उसने एक अपना दूसरा ही रूप अपने परिवार को दिखाया, केवल और केवल उस मुआवजे को लेकर के। दोस्तों एक मैं और आपको बहुत ही छोटा सा छोटी सी मैं कहानी इसमें ऐड करती हूँ। एक शहीद की दो बच्चियाँ थी और उसको भी जैसे सबको मुआवजा मिलता है और वो बच्चियाँ अपनी माँ के साथ रह रही होती हैं अपने नानी के घर में, लेकिन पीछे उसके चाचा ताऊ लोगों ने पूरे परिवार को ख़त्म करने का इरादा किया और सबसे पहले उन्होंने उन बच्चियों की माँ यानी कि उस वीर नारी को अपना निशाना बनाया। तो रह गई वो दो बच्चियाँ। अब उसके जो मामा थे उसको मैं अक्सर मिलती रहती थी। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, मीन्स जो वो शहीद था उसके ससुराल में जो उसके साले थे वो उन दो बच्चियों को लेकर इतने खौफजदा रहते थे। फिर मुझे पता चला कि उन दो बच्चियों को आवा के ज़रिए कहीं बोर्डिंग में भेज दिया ताकि किसी को उनके बारे में कोई खबर ना लगे। आज वो दोनों बच्चियाँ पढ़ लिख करके बड़ी हो गई हैं, एक लड़की फौज में ही गई है और एक लड़की इंजीनियर हो गई है। बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन ये जो कहानी मैंने आपसे मोहिना बेगम की बताई है ये बहुत एक निराश करने वाली कहानी है। इसमें उसने खुद ही टारगेट किया फौजियों को और उनसे शादी की और फिर उनका मुआवजा हड़पने के लिए उनको रास्ते से हटा दिया। है ना अजीब दुनिया। दोस्तों आपको ये आज की कहानी कैसी लगी, आप मेरे साथ अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और अपने जो विचार हैं उन्हें मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे बताइएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।